सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही। इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है। वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। 1 घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट तेजस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवारा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे।
और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है, बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है G5 पे। आप इस मूवी को G5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था, कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गेल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है, और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ
कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे मिशन को मतलब उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है। दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं। जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है। वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ZEE5 पे। आप इस मूवी को ZEE5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनौत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक,
रियो कापाड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश से उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था।
मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो, तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। 1 घंटे और 52 मिनट की मूवी है, जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है जी फाइव पे। आप इस मूवी को जी फाइव पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं, ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट तेजस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वह कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवारा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है, बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर।
सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है। वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है G5 पे। आप इस मूवी को G5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गेल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश से उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवारा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे
और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है, बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे, और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होंगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज़ इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ
कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे मिशन को मतलब उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है। दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनौत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर,
मुस्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गेल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे मिशन को मतलब उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वह कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था।
मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गेल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश से उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवारा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं
तो कहाँ पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही। इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है। वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है। पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है, जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं, ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट तेजस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है, और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं, और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है, और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवारा ने लिखा है, और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम
था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है, 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहां पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहां पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है, वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होंगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है G5 पे। आप इस मूवी को G5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है, हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था, कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है, पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गेल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे मिशन को मतलब उस मिशन में जाना पड़ता है।
और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है। दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं। जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होंगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज़ इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनौत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं।
सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे मिशन को मतलब उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो।
इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो, तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। 1 घंटे और 52 मिनट की मूवी है, जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है जी फाइव पे। आप इस मूवी को जी फाइव पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं, ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिश गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेस मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है, बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे, और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा,
मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है। वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेस मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश से उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवारा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सदस्य बचने में कामयाब होता है
बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे, और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है, जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है G5 पे। आप इस मूवी को G5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं, ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था, कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है, पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए। आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट तेजस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है, और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है, और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है।
इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है। दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं। जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है। वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होंगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। 1 घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है G5 पे। आप इस मूवी को G5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनौत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहिनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं।
ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिश गेल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे मिशन को मतलब उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश से उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होंगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज़ इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो,
बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो, तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। 1 घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं, ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है, बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको
अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही। इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है। वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है। पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। 1 घंटे और 52 मिनट की मूवी है, जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं, ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है, और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है, और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं, और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है, और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवारा ने लिखा है, और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है, बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है,
पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे, और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है, 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेस मेवारा है, वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है, हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था, कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है, पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है, फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं।
इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश से उनको खत्म करने से होती है। आशिका पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है Zee5 पे। आप इस मूवी को Zee5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनौत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है।
हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गेल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे मिशन को मतलब उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं। जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कॉन्टेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होंगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो
उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। 1 घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ZEE5 पे। आप इस मूवी को ZEE5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहिनी है, रोहित खान, वीणा नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं, ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिश गेल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है, और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे मिशन को मतलब उस मिशन में जाना पड़ता है, और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं, और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है, और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है, और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है, बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो, या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी, और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे, और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं।
दोस्तों मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही। इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है। वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है। पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है। हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो, बाकी कुछ मूवीज़ के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो, तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है, जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ZEE5 पे। आप इस मूवी को ZEE5 पे देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोहनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं, ताकि आपको जो है मूवी देखने में मज़ा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है। हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है। पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है, और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है, और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है। फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है। तेजस अपनी दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं, और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है, और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवारा ने लिखा है, और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है, बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं।
मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं, तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं, और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर। सत्य घटना पर आधारित एक और शानदार मूवी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। और आप भी दोस्तों अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहां पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी, इन सब के बारे में वीडियो में हमने चर्चा कर रखी है। हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है। चलिए मूवी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मूवी का नाम तेजस है। 2023 में ये मूवी रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही, क्योंकि मूवी का बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हुआ था लगभग दोस्तों 5 करोड़ का ही, इसलिए ये मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही। मूवी के प्रोड्यूसर RSVP मूवीज है, वैसे वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है क्योंकि वो क्वालिटी वाले जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में दे रखी है जो बहुत ही शानदार है, पर इनकी ये मूवी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, पर कंट्रोवर्सी के चलते ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 में से इस मूवी को 4.9 की रेटिंग मिली थी, और जो रॉटेन टोमेटो है वहाँ पर 10% लोगों ने इसे लाइक दिया था। मूवी के डायरेक्टर सर्वेश मेवारा है। वैसे अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे होगे तो इनका नाम हो सकता है आपने सुना हो। ये इतने फेमस डायरेक्टर है नहीं, पर कुछ मूवीज इन्होंने बना रखी है, हो सकता है कि तेजस उनकी पहली मूवी हो। बाकी कुछ मूवीज के अंदर इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर मूवी का डायरेक्शन वीक पड़ा हो तो उसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल ना कर पाई हो। मूवी के बारे में आगे बात करें तो मूवी में आपको दिखाया जा रहा है थ्रिलर और एक्शन दोनों ही। एक घंटे और 52 मिनट की मूवी है जो आपको शायद एंड तक बांधे रख पाएंगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में अभी देखना चाहते हैं, ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है G5 पे। आप इस मूवी को G5 पे देख सकते हैं जहां पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और हिंदी में ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है और स्टार कास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। मूवी के लीड रोल में यहाँ पर कंगना रनावत है, अंशुल चौहान है, वरुण मित्रा है, माइक्रो अलेक्सिस कोइनी है, रोहित खान, वीना नायर, मुश्ताक काक, रियो कापड़िया, आशीष विद्यार्थी, मोहन अगासे, विशक नायर, ऐसे बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी कलाकारों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डालते हैं ताकि आपको जो है मूवी देखने में मजा बना रहे। अगर मूवी की कहानी के बारे में चर्चा करें तो कहानी इसकी काफ़ी सिंपल रहती है, हालांकि ये मूवी ट्रू इवेंट पे बनाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू दिया था, कुछ लोगों ने कहा कि इसका स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, कुछ लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया मूवी है, पर मेरे मानो तो आप रिव्यू पर इतना भरोसा मत कीजिए, आप इसे खुद देखिए और खुद जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मूवी अच्छी लग रही है वो किसी और को पसंद ना आए। इस फिल्म में कंगना रनावत ने पायलट क्रिस गिल का किरदार प्ले किया है। तेजस एयरक्राफ्ट चलाती है और उन्हें एक मिशन पर जाना पड़ता है। फिल्म आगे देखने को पता चलता है कि उन्हें मिशन पाकिस्तान भेजा जाता है और एक्ट्रेस को पता चलता है कि वहाँ कुछ आतंकी है जो भारत के खिलाफ साजिश बना रहे हैं, जिसके कारण उसे उस मिशन में जाना पड़ता है और वह इस मिशन में कामयाब हो जाती है। इस फिल्म की कहानी सुनी सुनाई सी है, फिल्म की कहानी में कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। इस बीच तेजस को एक सिंगर से प्यार हो जाता है, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच भारत में एक घटना होती है जिसमें वे अपने परिवार के साथ साथ प्यार को भी खो देती है।
तेजस अपने दोस्त आशिका के साथ रहती है। फिल्म की कहानी का अंत राम मंदिर को ध्वस्त करने की जो आतंकवादी साजिश है उनको खत्म करने से होती है। आशिफा पायलट के किरदार में तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं और फिल्म में वे कंगना रनौत के साथ रहती है और उनके सिर पर भी कंगना की तरह ही देश की सेवा करने का भूत सवार होता है। कंगना रनौत दोस्तों तेजस को सर्वेश मेवाड़ा ने लिखा है और जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा काम किए हुए है। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी कमी भी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो समझ जाएंगे और हर मूवी के अंदर ऐसा होता ही है। भारतीय वायुसेना पर बेस्ड इस फिल्म की कहानी में कोई दम था ही नहीं, जहां एक विंग कमांडर बचाव अभियान के दौरान आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी न केवल सजा से बचने में कामयाब होता है बल्कि उसे एक खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन भी सौंपा जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर आप इस मूवी को देखेंगे तो आप ये बातें भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। मूवी ओवरऑल एक वन टाइम वॉचेबल है, आप इसे एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का वॉर हो या फिर ऐसी वॉर टाइप मूवीज आप देखते हैं तो आप इस मूवी को बेझिझक देख सकते हैं। ये आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेंगी, आपको ये पसंद दोस्तों ज़रूर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगेंगी और आप इस कमाल की मूवी को जो है एक बार ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस मूवी को देख चुके हैं और अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बताइएगा ये मूवी दोस्तों आपको कैसे लगी थी, अच्छी लगी थी या फिर नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर।